बात करने वाले हैं कंप्लीट केवाईसी की। और अभी मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट केवाईसी तभी होती है, पहले मिनी केवाईसी हम अपने फोन से करनी पड़ती है। तो मिनी केवाईसी के लिए मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है वो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और मैंने बहुत ही बड़े ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें समझाया हुआ है, जिसमें आप बड़े ही आसानी से मिनी केवाईसी कर सकेंगे। तो फ्रेंड नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्प में, और मेरा नाम है राजीव कुमार। तो आज आपको बताते हैं कंप्लीट केवाईसी के बारे में। अब फ्रेंड कंप्लीट केवाईसी कैसे होनी है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि पहले मिनी केवाईसी कंप्लीट होगी। यदि आपकी मिनी केवाईसी कंप्लीट नहीं होती है तो आप कंप्लीट केवाईसी नहीं कर पाएंगे। तो मिनी केवाईसी के लिए करना क्या है, मैं इसके वीडियो के लास्ट में भी मैं उसका जो है आपको एंड स्क्रीन पर दिख जाएगा उसका लोगो, वहां पर लिखा होगा मिनी केवाईसी कंप्लीट कैसे करें, या फिर मैं यहां पर आई बटन जो आपको दिख रहा है वहां पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर भी आपको लिखा दिख जाएगा कि मिनी केवाईसी कंप्लीट कैसे करें। तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा कि मिनी केवाईसी कैसे कंप्लीट करनी है ये, और उसके बाद मैं जो तरीका बता रहा हूँ इस तरीके को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं एक चीज और कि पेटीएम से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और जितने भी इसके तरीके हैं, चाहे पैसा ट्रांसफर हो, चाहे मोबाइल रिचार्ज हो, या कोई शॉपिंग हो, या कुछ भी हो, एक्स वाई जेड सारी जो है उसकी इंफॉर्मेशन, पैसा कैसे ऐड करें वॉलेट में, ए टू जेड सारे वीडियो, आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। सारे वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर आप नीचे क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन को और वहां पर आपको सारी लिंक मिल जाएगी। वहां पर वीडियो के नाम भी लिखे हुए, ये वीडियो फलाने चीज का, ये ढिकाने चीज, मतलब हर चीज की लिंक है वहां। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। तो अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड हमें करना क्या है, हम आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पर और हम अपना पेटीएम ओपन करते हैं। ठीक है, जैसे ही पेटीएम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको देख लेना है इस थ्री लाइन्स पर क्लिक करके कि आप लॉगिन हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम लॉगिन हैं। ठीक है, और अभी मैंने जैसा कि अभी आपको बताया है कि मैंने जो पिछले वीडियो हैं वहाँ पर आप देख लीजिएगा कि मिनी केवाईसी कैसे होती है। ठीक है, तो मिनी केवाईसी से आप जो है रिचार्ज वगैरह, जैसे मोबाइल रिचार्ज या कोई शॉपिंग वगैरह, मतलब छोटा मोटा शॉपिंग वगैरह आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब तक पूरी कंप्लीट केवाईसी ना हो तब तक आप किसी भी व्यक्ति को पैसा नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है फ्रेंड, इसमें देखिए हम एड मनी कर सकते हैं। जब मिनी केवाईसी आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, देखिए यहाँ पर हम एड मनी पर जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे वॉलेट में जो है 30 रुपये हैं। यदि आपकी मिनी केवाईसी नहीं होगी तो यहाँ पर लिखा आ रहा होगा कि पहले केवाईसी कंप्लीट करें। ठीक है, और यहाँ से आप आसानी से जो है पैसा ऐड कर ही सकते हैं। मेरे बहुत सारे वीडियो रहे हैं जिनकी लिंक मैं सारे वीडियोज़ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर बाकायदा नाम लिखा होगा, ए टू जेड पूरी जानकारी है पेटीएम की अपने पास। ठीक है, अब अपन को करना है पे, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को पे करना है, तो वहीं पर अपनी होगी केवाईसी। ठीक है, पे पर हम करेंगे क्लिक। ठीक, यहाँ पर हम जैसे ही पे पर क्लिक करते हैं तो ये जो है बारकोड से भी स्कैन कर लेता है और वैसे नाम से भी कर लेता है। तो हम एक नाम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, बारकोड तो फिलहाल यहाँ पर नहीं है कोई, तो हम यहाँ पर एक जो है नाम से ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पर ये बोल रहा है अमाउंट, तो चलिए हमने कुछ अमाउंट डाल दिया और यहाँ पर पे पर हमने क्लिक किया। अब जैसे ही पे पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है लिखा हुआ आ रहा है कंप्लीट केवाईसी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट केवाईसी की प्रॉब्लम आ रही है। अब इस कंप्लीट केवाईसी को कैसे करना है भैया, यही सारी प्रॉब्लम है। तो हम कंप्लीट केवाईसी पर हम भैया क्लिक कर देते हैं। अब क्या लोचा है देखना, अब इसके बाद ही जो है ये समस्याएं जो है पिछले कम से कम 1.5-2 साल से के जो है पेटीएम वालों ने कर दिया है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जानी है। ठीक है, करना क्या है वो हम आपको बता दें। यहाँ पर लिखा हुआ है जो यहाँ पर ये प्लीज़ वेट लिखा हुआ है, यहाँ पर ये एरो का निशान दिखा रहा है, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे अभी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है स्टेट चुनने के लिए आ गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट। तो चलिए हम जिस स्टेट के हैं वो स्टेट चुन लेते हैं, मतलब कि आप जहाँ भी पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो स्टेट आपको चुन लेना है। और यहाँ पर फिर एक और नीचे है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है ज़िला, यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट चुनता है या आपका शहर जो भी आपके नज़दीक पड़ता है, आप यहाँ से वो देख लीजिएगा, बहुत सारे आपके शहर आ जाएंगे नज़दीक में। ठीक है, मतलब ये जो है जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, तो हमने एक यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चुन लिया। अभी आ गया है पिन कोड। ठीक है, अब उससे रिलेटेड जितनी भी आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, अब मैं आपको बता दूं करना क्या है। देखिए आपको सबसे पहले जो दिख रहा होगा
इमरान्त मोबाइल शॉप, ठीक है, और दूसरा है अमरान्त मोबाइल शॉप नंबर जो है 3, और फलाना फलाना पूरा एड्रेस दिया हुआ है, माय पिन कोड से, ठीक है, उसका पूरा पूरा डिटेल दी हुई है। दूसरा यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है और ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सिर्फ झांसी के लिए है जो झांसी जिला के आसपास पड़ते हैं, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कंप्लीट केवाईसी के लिए भैया, इसके अलावा कोई और दूसरा उपाय होता ही नहीं है ही नहीं पेटीएम में, ठीक है, कि हम घर बैठे उसको कर सके। कंप्लीट केवाईसी नहीं कह सकते, हम मिनी केवाईसी कह सकते, और जब कंप्लीट केवाईसी तभी होगी जब आपकी मिनी केवाईसी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक कॉन्टैक्ट से मोबाइल से संपर्क करके या उनका ये पता पर जा करके और वहाँ से अपनी कंप्लीट केवाईसी फ्रेंड करा सकते हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि कुछ लोगों को लिए जो है वीडियोस बना के उन लोगों ने डाले हुए हैं कि मोबाइल पर ही कंप्लीट केवाईसी करें, फ्रेंड मत पड़िए चक्कर में, ऐसी कोई है ही नहीं उपाय, ठीक है। तो ये मैंने जो है बता दिया कि आप किस तरीके से उस दुकान पर पहुंच सकते हैं। यहाँ पर आप पेपर जाने हैं, कुछ नहीं करना है, पेपर जाना है, मतलब जिसको भी पैसा भेजना है, कोई भी आप व्यक्ति का जो है वहाँ पर पेटीएम नंबर डाल दीजिए, रुपए डाल दीजिए, या आप वहाँ डायरेक्ट भी उसको केवाईसी सर्च करके भी पहुँच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कंप्लीट केवाईसी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको स्टेट वगैरह चुन लेना है, ठीक है, और आप वैसे भी यहाँ पर सर्च करके भी यहाँ, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपको ज़रूरत पड़ने वाली है जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें मैं आपको बता दूं कि आप वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या नरेगा का कार्ड, इन तीन चीज़ में से आपको एक ना एक ले जाना, ठीक है, एक चीज़ कोई भी हो चलेगी, ठीक है, एक ही चीज़ ले जानी है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका पैन कार्ड, आपके पास पैन कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप पैन कार्ड बनवा कर ही जाएँ, पैन कार्ड या फिर इन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ ले जाएँ, ड्राइविंग लाइसेंस या जो है पासपोर्ट या नरेगा का कार्ड या वोटर आईडी, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको लेकर के जो है जानी है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप अपनी जो है कंप्लीट केवाईसी कर सकते हैं, और अगले जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं बताऊंगा कि आप पेटीएम से किसी भी व्यक्ति को कैसे पैसा ट्रांसफ़र करना है, बड़े ही आसान और इजी तरीका है एकदम। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।